हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर टू नेम्ड एज लीनियर इक्वेशन इन बंगाली। बिफोर लर्निंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन बंगाली वी विल लर्न अबाउट द इक्वेशन एज वी हैव लर्न इन प्री क्लासेस सिक्स सेवन ऑल्सो। So your definition of the equation is that an equation is a condition. एक equation है वो क्या है? एक condition है on a variable, एक variable पर which is satisfied only for a definite value of the variable. जो केवल एक निश्चित value variable के निश्चित value के लिए satisfied होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x plus 5 equal to 6, x square minus x plus 2 equal to 0, 2x plus y equal to 6, etc. जैसा कि हमने बताया कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल विच सेटिस्फाइड, यानी जो इक्वेशन है वो एक वेरिएबल पर कंडीशन होती है जो किसी एक विशेष वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होती है, फिर सेटिस्फाइड ओनली फॉर ए डेफिनेट वैल्यू, निश्चित वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होती है वेरिएबल की निश्चित वैल्यू के लिए, जैसे 2x plus 5 equal to 6, x square minus x plus 2 equal to 0, 2x plus y equal to 6। ये सभी हमारे एग्जांपल हैं इक्वेशन की, बट हमारा ये चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x plus 5 equal to 6, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है बिकॉज इसका पॉलिनोमियल जो हमारा पार्ट है वो लीनियर है। लीनियर का मतलब जिस वेरिएबल की पावर वन होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिस इक्वेशन में लीनियर पॉलीनोमियल आता है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। बट इसे दूसरे वाले इक्वेशन में आप देखेंगे तो इसमें हमारा क्या है कि दो पावर आ रही है, मैक्सिमम दो है, तो इसकी डिग्री दो हो गई, इसलिए ये हमारे लीनियर इक्वेशन होकर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ये भी लीनियर इक्वेशन है बट ये इन वन वेरिएबल नहीं है, ये एक्स में भी है और वाई में, दो वेरिएबल आपने देख रहे हैं, इसलिए 2x + y दो वेरिएबल में है, इसलिए ये भी हमारे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है, बट ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इक्वेशन। Now we will study about the linear equation in one variable. So definition is that an equation, it equation with a linear polynomial, जिसमें linear polynomial होता है, यानी वो equation जिसमें linear polynomial होता है in one variable, वो भी एक variable वाला, is called linear equation in one variable. Simply वो equation जिसमें एक linear polynomial होता है एक variable वाला, an equation with a linear polynomial in one variable is called the linear equation in one variable. For example, 5x minus 3 equal to 6, ये हमारा one variable है और linear है, इसलिए linear equation हो, x plus 5 equal to 0 also, 2x plus 1 plus equal to x minus 5 etc. ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, linear equation in one variable के। Now our next concept है हमारा solution of the equation. अब problem आती है solution of the equation क्या होती है, ये एक वेरिएबल की वैल्यू होती है जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। सो एज वी हैव डिफाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाइड द इक्वेशन, व्हिच सेटिस्फाइड द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है वो उसकी सॉल्यूशन कहलाती है। जैसे हमारा 2x - 5 = 9 है और हमें पता करना है इसका सॉल्यूशन क्या है, हमने पहले से ही बता दिया कि x = 7 है, अब हमें ये पता करना है कि ये x equal to 7 ही इसका सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो हम करेंगे पुट x equal to 7 है, इसमें हम x equal to 7 पुट कर देंगे, तो जहां x है वहां 7 रखने का मतलब 2 multiply 7 minus 5 equal to 9, RHS का पार्ट ऐसे रहेगा, आगे सॉल्व करेंगे 2 7 जा 14 minus 5 equal to 9 हो गया, 14 में से 5 गया तो 9 बचा, 9 equal to 9 यानी LHS और RHS both sides are equal, it means your equation is satisfied. So x equal to 7 is the solution of the okay, is that clear to all? So note down all student please. Yes students, now your exercise 2.1 in which we have to solve the following equations. In this mein kaha gaya hai ki isme jo equation diye hue hain unko hame solve karna hai. So your first equation is that x minus 2 equal to 7 as we have to solve. उस तरह की इक्वेशन आप सॉल्व करना सेवेंथ क्लास में भी सीख चुके हैं, बट रिवाइज अगेन फॉर रिपीटेशन दिस इज इक्वेशन x माइनस 2
इक्वल टू सेविंग। अब आपका क्या करना है, इसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसमें पहला माइनस का जो 2 है इसको हम उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो इधर माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा 6 इक्वल टू जेड प्लस 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें क्या है वेरिएबल आरएचएस में लिखा हुआ है, वेरिएबल हमारा किसमें लिखा हुआ है, आरएचएस में लिखा हुआ है, इसलिए हम आरएचएस को पहले ले लेते हैं, जेड प्लस 2, जेड प्लस 2 इक्वल टू 6। अब हमारा सेम वैसे ही हो गया जैसे ये था, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, यानी जेड इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपने आप करना है, क्योंकि सेम वैसा ही है जैसे हमारा पहला क्वेश्चन था ये। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7। ये क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें नया ये कि जो फ्रैक्शन है, बाकी तो सेम वैसे ही है, तो हम क्या करेंगे, इधर जैसे हमने यहाँ 2 को उधर भेजा था वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, 3/7 को उधर करेंगे। तो 3/7 इस समय इधर किसका प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। अब हमारे देख रहे हैं दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 17 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 14, 14/7, और 7 से 14 कट जाता है 2 टाइम, तो 7 बचेगा 7, 7 2 जा 14, दैट इज x इक्वल टू 2। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन विच 6x इक्वल टू 12। यहाँ पर क्या प्लस और माइनस नहीं है, यहाँ 6 का x से मल्टीपल हो रहा है, कोफिशिएंट है x का 6, तो जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीपल हो रहा होता है, जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा इनवर्स उसका होता है, यानी इधर अगर मल्टीपल हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल हो जाएगा। इस समय 6 का मल्टीपल हो रहा है, उधर जाके 12/6 होगा, और 6 से 12 काट देगा 2 टाइम, x = 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, बट यहां पर क्या हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, t / 5 करते हैं, इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर से ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा, तो 10 को 5 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको 2x अपॉन 3 इक्वल टू 3, ये भी सेम वैसा ही जैसे हमने 5 को उधर भेजा था वैसे हम 3 को उधर भेज देंगे, 3 तो इधर बचेगा 2x, 2x इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 3, तो 18 3 का कितना होता है 54, इधर क्या आएगा 2x। अब 2 को उधर भेजेंगे तो 54 अपॉन 2 हो जाएगा, और 2 से 54 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 27, दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x = 27। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इधर डेसिमल है, इसमें और कोई खास नहीं है, 1.6 इक्वल टू 5 अपॉन 1.5, इसमें वही सिस्टम है, इधर वेरिएबल आरएचएस कर रहे हैं, उसको हम पहले से लिख लेते हैं इजी आसान करने के लिए, तो 15/1.5 = 1.6 हो गया। अब सेम वैसा ही हो गया जैसे हमारा 6 क्वेश्चन था, इधर 5 से इधर को भेजा तो मल्टीपल हुआ, उधर भी 1.5 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल करने के बाद आता है 2.40, दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल y। नाउ दिस क्वेश्चन इज सबसे अलग है कि 7x - 9 इक्वल टू 16, ये सभी का मिसले नहीं है सर, तो 7x पहले हम क्या करेंगे, 7 को नहीं हटाएंगे, पहले इस माइनस 9 को हटाएंगे, तो उधर जाएगा क्या होगा, प्लस का 9 हो जाएगा, 16 प्लस 9 कितना होगा 25, इधर 7x ऐसे रहेगा। अब हमारा 7x इक्वल टू 25 हो गया सेम वैसे ही जैसे 6x इक्वल टू 12 था, तो हम क्या करेंगे, 7 को उधर भेजेंगे तो 25/7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 25 कटता ही नहीं है, तो हमें कोई काटने की जरूरत नहीं है, हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में जरूर लिख सकते हैं, बट देयर इज नो नीड टू राइट दिस। इसके बाद है आगे क्वेश्चन है आपका x अपॉन 3 प्लस 1, आगे जो 10 और 11 है वो सेम वैसे ही है जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ही, इसलिए आपको अपने आप करने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 वाला देखिए, जो कुछ डिफरेंट ऐसे है, इसमें फ्रैक्शन भी है और इंटीजर भी है, सब कुछ है। तो x अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15 है, तो जब 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, बाकी x अपॉन 3 ऐसे रहेगा, माइनस का 1 अपॉन 1 मान लेंगे, और 15 और 1 का फिर क्योंकि सॉल्व करना है इसको हमें, तो सॉल्व करना है 15 और 1 का एलसीएम लेंगे 15 होगा, तो फिर 15 से 15 को डिवाइड करो 1 आ जाएगा, और 1 से हम 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 ही आता है, सी वही प्रोसेस यहां बनाएंगे, 1 से 15 को डिवाइड करते हैं तो 15 टाइम जाता है, और 15 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बन जाता है, 15 हो जाता है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं x / 3 तो ऐसे ही रहेगा, बट 7 में से माइनस 15 करेंगे तो माइनस का ज्यादा है, तो माइनस 15 में से 7 माइनस होगा और माइनस का 8 बचेगा, 8 / 15 हो गया। अब हमारे अकाउंट में 3 और है, इधर 3 को भी उधर लेना, तो इसमें 3 जब उधर भेजेंगे तो 3 का डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीपल हो जाएगा, और 3 से 15 हमारा 5 टाइम कट जाएगा,
तुम्हारा जो आंसर होगा माइनस 8/5 होगा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ओके आई थिंक आपको समझ में आया होगा और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।